नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव महा एग्जिट पोल 2023। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस संभाग में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिल रहा है और कौन सी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। हम जो आपको जानकारी देंगे वो सब कुछ स्पष्ट करके देंगे और आप ये विश्वास करके रखें कि हमारा जो एग्जिट पोल है वास्तविकता के करीब रहेगा। जो हमारी एग्जिट पोल की सर्वे है वह निम्न आधार पर है। तीन सर्वे हमने अपने स्वयं चैनल पर चलाई थी। पहली सर्वे थी जो कि आप बगल में देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, तो जिसमें 78% कांग्रेस को सपोर्ट किया गया है। दूसरी सर्वे थी क्या आप अपने पुराने विधायक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं या नहीं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं नहीं में 78% है। आप नया विधायक चाहते हैं या पुराना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 75% में नए में क्लिक किया गया है। तो यह सर्वे थी जो कि एक कहा जाती है औसतन जानकारी प्राप्त करती है। इसके अलावा भी हम ग्राउंड पर जाकर व्यक्तियों से हमने बातें की हैं। आप चाहें तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको भी क्लियर हो जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमने जो स्वयं जाकर गली गली जाकर सर्वे की है। तो इन सभी सर्वे के आधार पर हम यह सबसे सटीक महा एग्जिट पोल लेकर आई है। तो देखते हैं किस संभाग में किसकी सरकार बन सकती है, किसका पलड़ा भारी है और कौन है गड्ढे में जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर संभाग से। जबलपुर संभाग में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 13 से 16 विधानसभा सीटें प्राप्त हो रही हैं और यहाँ कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ रही है। कांग्रेस को 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर को एक सीट जा सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो भोपाल में भी जो सरकार है वह बहुमत के करीब है कांग्रेस पार्टी, जिसमें से बीजेपी को 7 से 10 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कांग्रेस को 15 से 18, अदर को एक सीट प्राप्त हो सकती है, 0 से 1 सीट। बात करें वहीं पर है नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम में जो चुनाव है वह टक्कर का रहेगा। यहां पर कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त कर सकती है। यहां पर बीजेपी कुल जो विधानसभा की सीटें हैं वह 11 हैं, जब भोपाल में 25 थी, जबलपुर में 38, नर्मदापुरम में 11 है, जिसमें से बीजेपी को 3 से 4 विधानसभा की सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कांग्रेस को 5 से 6, अदर को 0 से 1 विधानसभा की सीट प्राप्त हो सकती है। बात करें महाकाल की नगरी उज्जैन की, तो उज्जैन में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 29 है, जिसमें बीजेपी को 11 से 14 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 17, अदर के खाते में एक सीट जा सकती है। बात करते हैं सागर संभाग की, तो सागर संभाग में कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर जो बहुमत प्राप्त कर रही है वह बीजेपी पार्टी कर रही है। बीजेपी को 12 से 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 11 से 13 सीटों के मिलने का अनुमान है, अदर के खाते में एक सीट जा सकती है। जो कि जो सीट है वह संभवतः हटा की सीट अदर के खाते में जा सकती है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में कुल 37 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी को 10 से 15 सीटों के मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 20 से 25 सीटें मिल सकती है, अदर के खाते में 0 से 2 सीट तक जा सकती है। बात करें रीवा संभाग का, तो रीवा में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने मिलेगी। बीजेपी के खाते में 8 से 10 विधानसभा सीटें जा सकती है।
वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 9 से 11 विधानसभा सीटों के जाने का अनुमान है। अदर की बात करें तो 0 से 2 विधानसभा सीटें अदर को प्राप्त हो सकती है। अदर में बीएसपी, एसपी, निर्दलीय, आप आदमी, ये सभी समाहित हैं। शहडोल में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 0 से 2 विधानसभा सीटों के मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 6 से 8 विधानसभा सीटें प्राप्त हो सकती है। अदर के खाते में यहाँ पर कोई भी विधानसभा सीट जाने का अनुमान नहीं है, खाता नील रहेगा। ग्वालियर संभाग में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ पर 3 से 7 मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी करारी टक्कर दी जाएगी। जहाँ पर बीजेपी को दमखम की उम्मीद थी, वहाँ पर यहाँ पर पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई है। वहीं पर कांग्रेस की बात करें तो 14 से 18 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर भी अदर के खाते में खाता नील हो सकता है। चंबल की बात करें तो चंबल में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और अदर के खाते में 1 विधानसभा सीटें जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करें ओवरऑल की। ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ सकता है? तो ओवरऑल में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की कुल यहाँ पर 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है और बहुमत व सरकार बनाने का दमखम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रख रही है, जिसमें से कांग्रेस की 130 से लेकर 140 सीटें तक आ सकती हैं, 130 से लेकर 140 के मध्य। यह है महाएकजुट पोल है, महाअनुमान है, सटीक, बेहतरीन से बेहतरीन। वहीं बात करें अदर के खाते में 5 से 15 विधानसभा सीटों के जाने का अनुमान है। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।